अगली खबर आ रही है तेलंगाना के हैदराबाद से, जो कि बड़ी खबर है। चलिए डालते हैं इस खबर पर नजर। हैदराबाद में कोरोना वायरस को लेकर तहलका मच गया है। लोगों में डर का माहौल है, हलचल है, क्योंकि पुलिस ने एहतियातन तौर पर कोरोना वायरस से प्रभावित वियतनाम से आए हुए 12 लोगों को चेकिंग के लिए हिरासत में लिया था, जो कि यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो आपको बता दें, नलगुंडा शहर में ठहरे हुए थे ये लोग और जो प्रचार करने यहाँ आए थे। हालांकि कुछ दिन पहले वो वियतनाम से वापस लौटे थे, तो इन्हें चेकिंग के लिए लिया गया। और जो चेकिंग के लिए लिया गया, देखा गया, एम्बुलेंस में बिठाकर भेजा गया, तो जो लोगों ने इसे देखा उनमें डर का माहौल हो गया है। हालांकि बाद में ये साफ कर दिया गया है कि इनमें कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है, लेकिन लोगों ने व्हाट्सएप पे और सभी पे इसका प्रचार प्रसार कर दिया, जिससे पूरे हैदराबाद में हलचल का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 12 लोगों को कोरोना वायरस हो गया है और लोग घर से ना निकले हैं, लोगों में डर का माहौल है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि एहतियातन तौर पर इनको चेक कराया गया था, क्योंकि ये दूसरे देश से आए थे, लेकिन इनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल एहतियातन तौर पर पुलिस सभी जगह लोगों की सुरक्षा कर रही है। पर इस बात को लेकर हैदराबाद में पूरी तरह से व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हल्ला मचा हुआ है। लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि 12 से ज्यादा लोगों को लिया गया है जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है, लेकिन इनमें से किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। ये बात पुलिस ने भी साफ कर दी। तो आपको बता दें कि वियतनाम से ये लोग प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए आए हुए थे और नलगुंडा में रुके हुए थे। ये 12 लोग थे। अब इन सभी 12 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद भेज दिया गया है। एहतियातन तौर पर इनकी चेकिंग की गई है, लेकिन डर की कोई बात नहीं है। जिसे भी कोई भी लक्षण दिखाई दें, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पांव पसार दिए हैं, अगर एक बार फैल गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसके पहले ही सचेत रह सकते हैं।